Assalamualaikum। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। कल वीडियो नहीं आई पब्लिक, उसके लिए दिल से सॉरी। वो ना मैंने ना इंस्टाग्राम पे डाल दिया था कि भाई मुझसे आज वीडियो नहीं बन रही, मैं बहुत ट्राई किया तो आज वीडियो नहीं आएगी, तो इसलिए ना मैं अपडेट कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पब्लिक जाके कर लेना इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरू करते हैं सस्ती शायरी के साथ आज की वीडियो। और आपको एक और बार बताऊँ, मैंने ना व्लॉग बनाया, मैं उसमें बता रहा हूँ कि ना मैं सस्ती शायरी कैसे बनाता हूँ, तो वो चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी चेक कर लेना। तो अर्ज किया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना गाइस, लाजमी मज़े मज़े की शायरी आपके लिए। अर्ज किया है कि झील सी आंखें काली जुल्फें, सारा जग तेरा दीवाना है, वाह 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 वाह। झील सी आंखें काली जुल्फें, सारा जग तेरा दीवाना है, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मोहतरमा, मेरे को पबजी खेलने जाना है। अरे 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 अरे, सस्ती शायरी विद एनोनिमस। ठोको लाइक बटन गाइस, सस्ती शायरी के फैंस सबके सब लाइक बटन ठोको। और मैंने ना एक ब्लॉग बनाया, उसमें मैंने बताया मैं सस्ती शायरी कैसे बनाता हूँ, ऐसे बस मतलब उल्टी सीधी बातें की हैं अजीब अजीब सी, तो जाके देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दूसरे चैनल का जिसमें मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ। तो गाइस हम आए थे अपने ससुराल जॉर्जो पूल, और यहाँ पे ना करीब था, लाइक हॉट ड्रॉप था, फिर भी कोई नहीं आया। दो बंदे आए थे, अभी वो दो बंदे हमें मिलेंगे और हम उन्हें बोलेंगे, अले 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 सर जी, अब क्या कर रहे हैं इधर? हम उनके पिछवाड़े में गोलियां मारेंगे, उनको से मौत के मुंह में भेजेंगे। और गाइज यहाँ पे ना आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैंने नहीं, आप लोगों ने बनाया, आप खुद देखोगे। वो आज लंबा गेम प्ले, एंजॉय करो बस। एक को नॉक किया गाइज यहाँ पे, दूसरा भैया वहीं पे डीपी पी ले रहा है। मुझे पता था भाई बाहर निकलेंगे मुझे मारने के लिए जब मैं जाऊंगा, तो मैं प्री फायर दे रहा था, प्री फायर में मैंने नॉक किया, लेकिन काफ़ी अच्छा मारा था हमारे एसएसडी भाई ने। थोड़ा सा मेरा एम भी मिस हुआ, बट स्टिल मैंने यहाँ पे इन दोनों को डाउन किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हील की गाइस, उसके बाद हम पूरा जॉर्जो पुल सुकून से लूटेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, मैं ये आपको बता रहा था, पब्लिक अनोनिमस की पब्लिक ने रिकॉर्ड बनाया, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आप लोगों ने अनोनिमस की पब्लिक। तो वो कुछ ऐसा था कि फास्टेस्ट मीटअप, लाइक लैंड होते मीटअप हो गया था, तो वो आप देखोगे लास्ट में, क्योंकि आज मैंने दो गेम प्ले आपके लिए लेके आया हूँ। आपको पता है जब मैं गेम प्ले नहीं अपलोड करता ना, उसके बाद मैं लंबा सा गेम प्ले आपके लिए लेके आता हूँ ताकि नाराज़गी दूर हो जाए। तो गाइस हम ऊपर आए थे बॉक्स लेने, लेकिन ना जैसे ही ऊपर आ रहे होते ना बॉक्स को लूट लेता है, मतलब आते आते लूट लेते, हमें पता होता बंदा यहीं होगा। ये हमारे पाकिस्तानी भैया थे जो ड्रॉप लेके यहाँ बैठे हुए थे और बॉट को मार रहे थे। अरे गाइस पाकिस्तानी लॉबी आई हुई थी, तो मज़ा भी आ रहा था खेलने में, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स आए हुए थे, हमारे बहुत पाकिस्तानी दोस्त आए हुए थे यहाँ पे। और इसके बाद गाइस हम मेहरान गड्डी से उतरे, तो यहाँ पे गाड़ी जा रही थी, मार काया तो मैंने बॉट फायर दिया और किल के लालची उतर के आ जाएंगे गाड़ी से, देखना बॉट मारने के लिए, मतलब बॉट फायर दिया भाग के आ रहे होंगे गाइस, देखना। अले 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 सर जी, या फिर इस भाई को डाउन किया, दूसरे टीम में वो आ रहे हैं, देखो भाग के, आ हा हा, बॉट मारेंगे, केडी ऊपर जाएगी, ला 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 ला, पिछवाड़े में गोलियां मार के दोनों को नॉक किया और फिनिश करेंगे। और गाइस अब यहाँ पे ना चलती है फ्लेयर, लाइक मैंने बहुत ज़्यादा कट किया, वरना दो गेम प्ले हैं तो 60 मिनट का गेम प्ले बनता है, तो मैं कट कर करके ना जितना छोटा आप लोगों के लिए कर सकता था ना मैंने कर दी वीडियो। तो फ्लेयर चली थी गाइस, हमने फ्लेयर पर रश करने का फैसला किया कि भाई जाएंगे फ्लेयर पर इनको मारने के बाद, और मेहरान गड्डी उठाते हैं, हम फ्लेयर पर जा रहे होते हैं, हमें रास्ते में लौंडे मिल जाएंगे, अभी उठाएंगे मेहरान गड्डी, बस छोड़ो यार क्या उठानी मेहरान गड्डी, डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। मेहरान गड्डी हमारी जा रही थी फुल स्पीड में फ्लेयर पे, लेकिन यहाँ पे बगी नज़र आती है, तो हम बगी को चेस करते हैं, भाई बगी वाले देख के उतर जाते हैं फौरन से। बाबा जी यहाँ पे हमने दोनों के पिछवाड़े में गोली मार के नॉक किया दोनों को, और ये कौन सी कंट्री थी, थाईलैंड थी, यस थाईलैंड। और फ्लेयर अभी आपने देखा वहाँ पे चली गई, ड्रॉप उनका आ रहा था, इतनी देर में भाई ऊपर पाकिस्तानी भैया हमारे पिछवाड़े में गोलियां मारने शुरू करते हैं। पहले तो मुझे नज़र नहीं आते, मैं ट्राई करता हूँ स्पॉट करने का, लेकिन फिर उनका सर हल्का सा मुझे नज़र आता है, फिर मैं स्पॉट करने के बाद लेट के उनके पिछवाड़े में गोलियां मार के उनको फिनिश करता हूँ। अब जाहिर सी बात है इनका स्क्वाड भी यहाँ पे होता, बट मुझे ना अभी उनसे फाइट नहीं लेनी थी, मुझे जाना था फ्लेयर पे, क्योंकि फ्लेयर पे आपको चार लोग पक्का मिलेंगे और लूट भी मिलेगी, तो फ्लेयर पे जाना बेहतर है ना। ये लोग गाइस फ्लेयर वाले ना ये मिलिट्री लूट के आए थे और फ्लेयर इन्होंने चलाई थी जोन में आती, तो हमने कहा जाएंगे बाबा जी चलाएंगे फ्लेयर, नहीं जिन्होंने फ्लेयर चलाई उनके पिछवाड़े में गोलियां मार के मौत को छूके से वापस आ जाएंगे, ये हमारा प्लान था। तो यहाँ पर हम आए और रश कर दिया डायरेक्ट, कोई नॉक नहीं किया, सीधा घुस गया था भाई मैं तो, और टीपी भी ले रहे भैया, अले 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 भाई साहब, ऊपर एक बंदा इनका लेटा हुआ था शेक, उसको मेरी टीम में नॉक किया, अब इनका एक बंदा यहाँ से मुझे गोलियां मारता है भाई,
फिर मुझे नजर आता भैया ड्रॉप के पीछे है, मैं ड्रॉप पे नेट करूंगा। गाइस देखो एक नेट ना किया करो, समटाइम दो कर दिया करो, लाइक एक से बच गया तो दूसरे से मरेगा। एक मैं राइट किया, एक मैं लेफ्ट किया, वो लेफ्ट वाले से बच के राइट पे भागा, फिर राइट वाले से बच के लेफ्ट पे भागा, उसके पिछवाड़े में नेट फट गया। तो लाइक जल्दी जल्दी ना दो नेट कर दिया करो। और नेट करते हुए ना समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी ना रिवील कर देते हैं ना, पीक लेके हमेशा नेट करो। समटाइम नेट कुक करते ना तो एनिमी को साउंड आ जाता है कि नेट निकाला, ठीक है। उसके बाद आप नेट करने के लिए बिल्कुल ओपन चले जाते हो और एनिमी आपको नॉक कर देती है, अक्सर ऐसा होता होगा आप लोग के साथ। तो पीक करके ना ज़रा सा हाथ अपना रिवील करके फिर नेट किया करो, ऐसे नेट भी अच्छे से जाएगा और आप भी बचे रहोगे। फिर हमने यहाँ स्मोक की और ड्रॉप लूटा और एम के उठाई थी आई गेस मैंने यहाँ से, और फिर हम निकलेंगे बंदे ढूंढने के लिए। गाइस अपनी मेहरान गड्डी निकाली हमने, लगाया 5 अगेर, बंदे ढूंढने के लिए निकले। और काफ़ी दूर जाने के बाद हमें 2 पाकिस्तानी और भाई हमारे मिलेंगे, जो कि मज़े से स्क्वाड हाउस में बैठे होंगे, एनोनिमस हाउस, स्क्वाड हाउस, स्क्वाड हाउस। वो गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पे, तो स्क्वाड हाउस में बंदे नज़र आए, हमने घुमाई गाड़ी, लेकिन मुझको नहीं नज़र आया, मेरे को मेरी टीममेट ने बोला के बंदे वहाँ पे, तो मैं गाड़ी घुमा के आ गए यहाँ पे। और उसके बाद हम रश करेंगे पाकिस्तानी भैयाओं पे हमारे। मुझे साउंड आता है कैसे घर के पीछे बंदा खड़ा हुआ है, ये देखो मार्क भी आया। तो मैं MK-14 निकाल ली और पिछवाड़े में गोली मारी भाई को। भाई का पिंग हाई था, आई थिंक दोनों ही भाई का पिंग हाई था, देखना गाइस हमारे पाकिस्तानी भैया दोनों का आई थिंक पिंग हाई था, PTCL पे खेल रहे थे हमारे भाई लोग। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ भाई साहब हमारे नीचे जंप कर जाएंगे। सर जी गाइस के बाद हमने टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि हम ट्राई कर रहे थे, रिपर भैया हमारे थे ये। उसके बाद हमने गाइस टाइम ज़्यादा नहीं किया, हमने कहा जितनी जल्दी निकल सकते बंदे ढूंढने के लिए हम लोग निकले। दोबारा मेहरान गड्डी निकालेंगे अपनी, लगाएंगे 5वां गियर और गाइस हम सीधा पहुंचे जॉर्जपुर वाली साइड पर। हम यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी थी तो मैंने डायरेक्ट नहीं लिया इस बार, नीचे रिज पे रोक दिया क्योंकि इस रिज का थोड़ा सा आइडिया था मुझे, मैं ज़्यादा यहाँ पे फाइट होती है मेरी। तो गाइस तो मतलब थोड़ा सा ना आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कौन सी जगह कैसी है, लाइक आप मुझे पता था यहाँ पे रिज है, पत्थर है, तो मैं एक नॉक करके रश कर सकता हूँ, लाइक वो बंदा जंप करेगा तो मैं रश कर जाता हूँ बस। फिर एक एक पत्थर का कवर लेके आगे आया, उसके बाद रश कर दिया। एक भाई साहब यहाँ से आ रहे थे, इनको एम के से नॉक किया। अब दूसरे भाई साहब इसी घर में ऊपर भागेंगे और स्टेडियम पर जाके ना ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये भी पाकिस्तानी स्क्वाड था हमारे, इस्माइल खान भाई। अले 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 सर जी क्या कर रहे थे आप, हसन भैया व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद गैस हमने लूट की जो जो एमओ वगैरह उठाने थे, में बाइक आ रही होती है भाई साइड से, हमारे जोकर भैया बाइक लेके आ रहे हैं, जोकर का साउंड बड़ा फेमस हुआ ना आजकल दो टिकटॉक पे। तो गाइस भाई सब को हमने फिनिश किया बाइक से उतारा, जो कि बड़ी हल्की बाइक कर ली थी इन्होंने, पता नहीं क्या जिंदगी सोच रहे थे, गाड़ी बाइक रोकू मारूं, बाइक रोकू ना मारूं, तो फिर इतनी देर में कबाड़ा हो गया इनका। फिर गाइस हमने क्या किया, हम उठाएंगे अपनी मेहरान गड्डी उठा के डायरेक्ट जाएंगे बंदे ढूंढने के लिए। यस बंदे ढूंढने के लिए गाइस हम लोग जाएंगे, और मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा कट कर दूंगा, लाइक हम लोग स्क्वाड रुके थे उसके बाद हमने वेट किया था कि हो सकता है बंदे आए बट कोई आया नहीं था। तो गाइस हम सीधा पहुंच के जॉर्जपुल के ऊपर पहाड़ के ऊपर, और फिर यहाँ पे हम बंदे स्क्वाड करने लगेंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फाइट हो रही होती है, गाड़ी जाती है, तो हम यहाँ पे गाइस फाइट मतलब स्प्रे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पास स्नाइपर नहीं होती तो मैं लेट के स्प्रे मार रहा होता हूँ, जिससे गाइस रिकॉइल ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हम एनिमीज़ के पिछवाड़े में गोलियाँ मार रहे होते हैं लेट के भैया, और यहाँ पे हमारी टीममेट ना डैमेज हम दे रहे होंगे, किल ये चुड़ैल ले रही होगी। फिर उठा के टिकटॉक पे वीडियो डाल देंगे भाई हमने स्नाइपर से बंदे मारे हैं। अब भाई सारा डैमेज हम दे रहे हैं, एक गोली मार के नॉक कर रहे हो M24 की जिसका डैमेज ही नहीं है, कितनी बुरी बात है। ये देखना गाइस अभी सारा डैमेज इसको मैं दिया और उसको एक गोली मारी, चलो भाई गया, उस्मान भैया मर गए, राणा उस्मान भैया का किल ले लिया, कितनी गलत बात है बाबा जी, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। उसके बाद गाइस और बंदे नज़र आ रहे थे तो हम मार रहे थे। अब ये नॉक पड़ा था भैया को, हमने नहीं मारा क्योंकि ये जा रहा होगा अपने टीममेट के पास रिवाइव लेने के लिए। इतनी देर में हमें एक अलग स्क्वाड का बंदा नजर आएगा राइट पे, तो हम उसको लेट के उसके पिछवाड़े में गोलियां मारेंगे पब्लिक। वो रहे अले 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 सर जी, अख्तर भैया मारे गए, शुजा अख्तर नाम था शायद। उसके बाद नॉक भैया को फिनिश करेंगे हम यहाँ पे। देखो गाइस मैं क्राउच करके स्प्रे कर रहा हूँ तो रिकॉइल ज़्यादा हो रहा है, लाइक आप लेट के स्प्रे मारोगे ना दूर तो रिकॉइल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
अगर कोई स्नाइपर चला रहा है ना तो मतलब लेट के बस स्प्रे मत मारना, आपके कनपट्टी के नीचे गोली मारेगा वो, बता रहा हूँ। अभी आ रहे थे भैया ऑग लेके, तो इनको हमने यहाँ पे फिनिश किया। वो जात भैया हमारे वहाँ पे एक दो बंदे बचे थे गाइस, जब एक बंदा वहाँ पर था तो उसको मैंने अपने टीममेट को मार्क किया। अब यहाँ पे हम किल लेंगे, साफ तो बराबर करना है ना, उसको एक स्नाइपर पड़ती है तो मैं यहाँ पे स्प्रे मार के लेफ्ट राइट भैया को फिनिश करता हूँ। गाइस अब एक बंदा बचा था, थोड़ी देर बाद हम उस बंदे को मतलब काफ़ी ढूंढा उस बंदे को, लाइक जब वो मिला साउंड आया कि नीचे गाड़ी आई है, हमने रेस्ट किया और यहाँ पे भैया को मारा और हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस ये था दूसरा गेम प्ले बाबा जी। हम जा रहे थे अपने ससुराल नोवो, नोवो जाते हैं गाइस ना, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लाइक मैं लॉबी में ना ऐसी पांडा भैया, वाह भाई सीजन 10 तांत्रर पांडा। तो गाइस हम ना मतलब वेट कर रहे थे, अरे क्या वेट कर रहे थे, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। अच्छा वो आपको याद आती वो कमर्शियल याद है आपको, पहले बचपन में आता था भूल गया, वो चॉकलेट खा के ऐसा कुछ होता था, याद आया था मुझे, कमेंट की जरूरत था ना। तो गाइस वो ना अभी हम लोग नीचे जा रहे थे नोवो, अब मुझे ज़रा आइडिया नहीं था, मैं लॉबी में होता हूँ ना तो मैं स्क्रीन ऑन करके ना छोड़ देता हूँ जब तक प्लेन नहीं आता, मतलब या इंस्टाग्राम ओपन कर लूँगा या टिकटॉक ओपन कर लूँगा, तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, फिर मैंने नोट नहीं किया लॉबी में। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लैंड होता हूँ ना गाइस, अब अंदाज़ा लगाओ कि जो टीम हॉल ड्रॉप करके साथ आई ना, जिससे गन फाइट है, वही हमारी पब्लिक निकल आएगी, देखना कितनी जल्दी। मैं खुद हैरान था, अरे ये क्या, ये देखो ये लोग उतरे, मैं भागा गन लेने, VSS उठानी थी बट ना मैंने ऑटो पिकअप ऑन नहीं किया था तो उठी नहीं, मैंने कहा पीछे से उनको गन मिल गया तो पिछवाड़े में मारेंगे, निकल जाओ यहाँ से। अब मैं यहाँ आया, मुझे ये सस्ती वाली UMP मिली और इन दिनों में देखना भी क्या होगा गाइस। पहले मेरे को लगा कि बंदे मारने आ रहे हैं, किस्मत पाई यार, यार मैंने आपका नाम देखा था यार, हम आपकी रोज वीडियो देखते हैं, आज आई नहीं है ना शायद, कल वाले भी देखी यार मैंने ब्रो, बिग फैन यार, ओए होए होए कसम से यार यकीन नहीं हो रहा, कसम से यार भैया हम मार दो, हमें मार दो, ओए एनोनिमस ओके ब्रो, हां YouTube ओके ओके ब्रो। तो गाइस उसके बाद ना मैं इनको बोलता हूँ भाई लास्ट में मिलेंगे ठीक है, और आप लोग नोवो लूटो, मैं नोवो से जा रहा हूँ, लाइक मैं नोवो छोड़ देता हूँ, मैं अपनी पब्लिक भाई नोवो लूट लेगी, वरना दोनों लूट करेंगे ना तो ऐसे कन्फ्यूजन रहेगी, लूट भी नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, सीधा जाता हूँ ड्रॉप पे, क्योंकि लूट चाहिए थी, तो ड्रॉप पे आने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगी द्रोजा, द्रोजा उठाएंगे और द्रोजा के बाद हम यहाँ से दोबारा निकलेंगे फ्लेयर पे, लाइक मैं बहुत छोटा करके दिखा रहा हूँ गाइस, वरना वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है आप लोग के लिए। अभी मतलब एक दुनिया से ना दूसरी दुनिया में कितनी जल्दी पहुँचा दूंगा मैं आपको, इतना कट कर दूंगा वीडियो। देखो यहाँ से हम निकले सीधा ये शूटिंग रेंज वाली साइड है, यहाँ पे फ्लेयर चली थी और मैं यहाँ पे रश कर जाता हूँ, मेहरान गड्डी लेके आया तो भैया फ़ौरन से गाड़ी की आवाज़ सुन के सांप बन गए, वाह बाबा जी वाह, ऐसे कैसे अकल इस्तेमाल कर सकते हो आप, गुस्सा आ रहा है हमको, हम उनके पिछवाड़े में गोलियाँ मारेंगे। और इतने कॉन्फिडेंस से सांप बनते ना गाइस जैसे उनको कोई देख नहीं रहा, अरे होलो वोलो भी नहीं मिला था, ऐसे ऐसे दिन ऐसा गेम था ये तो। यहाँ पे इस भैया को हमने नॉक किया और उसके बाद हम आगे रश करेंगे फ्लेयर पे, एक एक बंदा गाइस इनका और है और उसको देखना है मैं हील करके कैसे मारूंगा गाइस, मतलब उसको आइडिया ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या ऐसा कुछ, काफ़ी अजीब था। लेकिन अब मैं आगे रश करने जाता हूँ, अब यहाँ पे बाइक होगी, मुझे लगा बंदा सांप बना हुआ है, मैं पहले कन्फ्यूज हो जाऊँगा, ये देखो नज़र आया, स्प्रे दिया लेकिन ये बाइक थी, तो ओके प्रैंक हो गया हमारे साथ, हाथ हिला दो कैमरे में, भाई को फिनिश करता हूँ क्योंकि भाई मेरा मिशन था तीन बंदे ग्रोजर से मारने हैं डेली मिशन, तो मैंने कहा मर मर गया तो पहले मिशन तो कर लें, तो मैं भाई को फिनिश किया ग्रोजर से और इतने में भाई नेट आना शुरू हो जाता है हम पे, ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। फिर मैं ऐसे चेंज करूँगा पोजीशन क्योंकि नेट वेट आ रहे थे, ये देखा कैसे गंदा नेट फटा था हमारे पिछवाड़े में, तो हमने जल्दी से बाबा जी अकल इस्तेमाल की, अपनी पोजीशन की चेंज और उसके बाद यहाँ पर मैट किट लगाएंगे, भैया आ रहे हैं रश करने, देखो लुक एट दिस डूड, लुक एट दिस टॉप ऑफ लॉग, कैसा होता है भाई इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी ऐसे कमज़ोर है भाई। बंदा इज कमिंग एंड ही इज टेकिंग TPP फ्रॉम दरख्त एंड वी मारिंग स्प्रे ऑन हिज पिछवाड़ा एंड हिज पिछवाड़ा इज बर्निंग क्रेट, सो वी आर लूटिंग हिज क्रेट, सस्ती इंग्लिश विद एनोनिमस। एक और ग्रोज आती हमने नहीं उठाई गाइस, और फिर बाइक उठा के मैं आया था यहाँ पे चिंकी वाली साइड पे, हमें गाइस ये स्क्वाड था ड्रॉप लूटने आया था, मैं ड्रॉप पे आता हूँ तो बाबा जी अलग अलग स्क्वाड फैला होता गाइस, ये तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी खतरे में होती है। ये भी पाकिस्तानी स्क्वाड था, ये भैया को हमने यहाँ पे नॉक किया और इसके बाद इसके दूसरे टीममेट को नॉक करेंगे, एक बंदा इनका काफ़ी गंदा कवर दे रहा था पीछे से, ओपन से रश कर रहे हो सर ऐसे कैसे, अली रजा अली अली भाई थे। और तीसरे भैया को भी हमने यहाँ पे नॉक किया
अब इनका चौथा बंदा का जो ड्रॉप के पीछे बैठ कर गंदा कवर दे रहा था इनको, मैं पहले हील किया उसके बाद करता हूँ अपनी पोजीशन चेंज, क्योंकि वो ना स्मोक कर देते हैं अपने ऊपर लाइक अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, और आई थिंक उनके काफ़ी सारे टीममेट रिवाइव हो भी जाते हैं यहाँ पे। मैं दोबारा से ना एंगल चेंज करके मारने के लिए यहाँ पे आता हूँ, जंप कर करके देख रहा था अभी भाई तो नॉक थे ये तो फिनिश हो जाएंगे, इनको तो किसी ने रिवाइव दिया ही नहीं, कितनी गलत बात है भाई। अली भाई यहाँ पे फिनिश हुए, उसके बाद गाइस पीछे से भी बंदे होते हैं लाइक पहले मेरे को लगा बॉट, लेकिन बॉट नहीं था, वो टैप टैप करके इनको मार रहा था, तो मेरी किल भी खतरे में आए हुए थे बाबा जी, बट फिर मैं रीलोड लगाई और जैसे जैसे बंदे आ रहे थे यहाँ पे लैग ही ना गाइस, लॉब भी ना मिक्स आई हुई थी, बहुत से अच्छे प्लेयर थे, बहुत से हाइपिंग वाले हमारे पब्लिक थी, लेकिन अब एक बंदा इनका बचा था तो भी आगे जो है ना हमें वही वाले बंदे मिल जाएंगे गाइस, हमारी पब्लिक जो मिली थी ना। अब गाइस मैं आपको कन्फ्यूजन बताता हूँ क्या हुई, याद है आपको उन दोनों ने ना रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, तो मैं ये सोच के चल रहा था कि लास्ट में इनसे मिलेंगे रेड कलर के कपड़े होंगे, और मैं आया स्क्वाड हाउस में, मतलब ऐसे ढूंढ रहा था बंदे, तो मुझे यहाँ पे ना बंदे नज़र आते हैं, गाड़ी लगी होती है, अभी भाई नीचे मारने के लिए जंप कर जाएंगे, गन तो नहीं थी इनके पास, बट मेरे को लगा कि लाइक ये एनिमी है, क्योंकि इनके ना कपड़े रेड नहीं थे, मैं इनको फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे, काफ़ी ख़राब लगते हैं मेरे को, तो बाद में जब मुझे पता चलता ना वो मीटअप वाले थे, गिल्टी फील हो रहा था, तो लास्ट में आप देखोगे क्या किया मैंने और भाई ने ट्राई किया, लाइक वो गाड़ी ब्लास्ट कर देते हैं सेफ्टी के लिए, हमारी वाली ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, हमारी पब्लिक है ना, हमारे वाले स्क्वाड में आके हमारे वाले गाड़ी लगा के अपने हमारी वाली ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक अभी तक मेरे को नहीं पता था कि ये वही लोग हैं, ठीक है गाइस, तो मैं नेट वगैरह कर रहा था, अरे भाई ये तो अपने ऊपर ही फट गया नेट, फिर बूस्टर मारेंगे, और लाइक मेरा ना माइक ना गाइस देखो दोनों ऑल पे थे, तो अब मैं मुझे ना मतलब जंप का साउंड आ रहा था, जैसे वो ऊपर ऊपर ना सीढ़ियों पे वो साथ में वॉल पे बैठ नहीं जाते, लाइक वहाँ पे बंदा बैठा हुआ, तो मैं पहले डोर यहाँ पे तोड़ दिया और वहाँ पे नेट करूँगा कि शायद नेट से फट जाए, और इतनी देर में हमारे भाई ना बोलने लगेंगे वॉल पे, भाई नेक्स्ट लेवल था ये तो, बाबा जी अपनी पब्लिक बोलने लगेगी वॉल पे, ये नेट ब्लास्ट किया गाइस, उसके बाद लूट करने आता हूँ, तो यहाँ पे अब इन भाई के ऑल पे ना मुझे आवाज़ आने लग जाएगी, हेलो ब्रो एनोनिमस भाई मुबीन भाई यार डोंट किल ब्रो, आप लोग को पता है आप लोग ने रिकॉर्ड बनाया लाइक फास्टेस्ट मीटअप लैंड हुए फॉरेन से मीटअप किया आप लोगों ने, मैं टिकटॉक पे डालूंगा इंस्टाग्राम पे डालूंगा, नाम बताओ आप, फ्लेयर जट भाई फ्लेयर मैन, फ्लेयर जट और फ्लेयर क्लियर माइंड मंच, ठीक लाइक ये मैं डालूंगा इंस्टाग्राम पे भी टिकटॉक पे भी, आप देखना फास्टेस्ट मीटअप था ब्रो, लैंड होती फॉरेन से मीटअप, आज जो साथ में खेलते हैं चिकन करेंगे। तो गाइस उसके बाद ये गाड़ी को चेस करने लग जाते हैं हम लोग, और इसमें बताऊँ गाइस कार फाइट में क्या होता है, जब आप एनिमी के साथ बैठे होते हो लाइक वो अगर एंगल किसी और एंगल से मारेगा ना ड्राइवर को मतलब मुझे गोलियाँ लग जाएंगी, तो मैं डर भी आता, मैंने कहा ये ना भाई गाड़ी किसी और एंगल में चली जाए और मुझे गोलियाँ लग जाएँ, अब भाई ट्राई कर रहे थे कि उस बंदे के साथ भी मीटअप करें बट ऐसा हुआ नहीं, वो मारने आ जाता है, अरे टीपी भी ले रहा लौंडा, अले 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 पाकिस्तानी भैया थे हमारे ये भी टीपी भी ले रहे थे, आज काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी भैया थे गाइस, जो जो जिसको आप जानते हो ना तो उसको मेंशन ज़रूर करना लाइक उसको बताना, फिर गाइस यहाँ पे हमारी फाइट होती है और यहाँ पे तो भाई चारों तरफ से गोलियाँ चलने लग जाएंगी, इस भाई को हमने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश किया, और इतने देर में गाइस हर तरफ फाइट हो रही थी लाइक देखो पीछे स्क्वाडर्स में और ऊपर टॉप पे मतलब हर जगह से गोलियाँ चल रही होती है, भाई अपनी ज़िंदगी होती है खतरे में, तो मैं भाई को बोलता हूँ हम दोनों सोलो सोलो रह गए, रिवाइव वाला तो कोई सीन नहीं है, तो निकलते हैं एक साइड रश करते हैं, तो भाई को बिठाते हैं हम गाड़ी में और जाएंगे स्क्वाडर्स पे रश करने, गाइस लगाया पांचवा गियर है ना, और फिर हम यहाँ पे पहुँचे तो भाई स्क्वाड में बंदा नज़र आता है एक और हम करेंगे उस पर रश, गाड़ी रोकी M4 लेके निकले लाइक ऊपर एम करके मैं भागूंगा कि जैसे भैया हमारे पीक करें उनके पिछवाड़े में गोलियां पड़ें और वो नॉक हो जाएं और ऐसा ही होगा, अले अले पर भाई ने ना काफ़ी अच्छा मारा था हमें बहुत लो कर दिया था, गाइस का एक टीममेट इतना गंदा कैंप कर रहा होगा ना बाबा जी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, यस बिल्कुल देखना कैसी गंदी ज़िंदगी खतरे में आएगी, मैं मज़े से जा रहा हूँ मेरे को मतलब
नहीं पता के ऊपर होगा ये, देखो। ओ भाई साहब, अले 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 सर जी, ये कैसी कैंपिंग कर रहे थे आप? अपने हमारी जिंदगी खतरे में आ गई थी बाबा जी। अरे हमारे भाई साहब बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन इतने मुझसे ज़्यादा खुश नहीं ये हो रहे थे, क्यों हमने बता रहे? बंदे मार दिए लाहौल, इतना अच्छा लग रहा था। फिर हमने कैसे यहाँ पे बूस्ट वगैरह मार के हील किया। अब एक ही बंदा बचा था तो हमने उसको ढूंढने का फैसला किया कि भाई मिल के ढूंढते हैं गाड़ी लेके। काफ़ी जद्दोजहद की हमने राइट लेफ्ट गाड़ी बड़ी घुमाई, फाइनली हमें वो भैया मिल ही गए। और भैया हमारे ड्रॉप के साथ लेटे हुए थे, तो ये अब ले हम उनके भाई, ऊपर गाड़ी चलाएंगे। ओ भाई सब, अब गैस एक ही बंदा बचा है, और अब हम ना माइक पे बातें बातें करेंगे। तो आप देखना ये भाई हमारे क्या कह रहे थे लास्ट में ना, कि भाई अब मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं जोन से बाहर जाके मर जाऊंगा। मैंने कहा सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आप जोन से बाहर मर जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। चलो तो ब्रो आप आप खुद मारो। अभी हमारी बातें सुन लो। नहीं भाई मैं नहीं मारूंगा भाई, मेरी बात सुनिए यार, आप हमारे साथ एक। हेलो, हाँ वो ऐड कर लो, टीडीएम खेलेंगे, टीडीएम का कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, ऐड करते हैं। हाँ रिक्वेस्ट भेजना ब्रो, ठीक है मार ब्रो, दो यार, आप मारो, ऐसे नहीं है। नहीं मैं आप मारे मुझे। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तब तो सुन लो। मैं मारूँ आपको? हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब पब्लिक मेरी नहीं सुनेगी, ऐसे कैसे क्या कर रहे हो यार, मार दो। नेट नहीं करना, मतलब भाई मारो आप ना ना, मैं पैन फाइट भी नहीं करनी, आपको मारना पड़ेगा। यार, वो कहना मतलब मेरा फ्रेंड कह रहा है आपको नहीं मारना। अरे प्लीज़ ना, देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मार दो ठीक है वो कह यार रहा है मार दो। मार दो मार दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भाई आप मारो मुझे। नहीं ना, मैं नहीं मारूंगा ब्रो, आप मार दो जल्दी से। बाय बाय भाई, मैं नेट कर रहा हूँ फिर खुद को, ऐसे मैं नहीं, जोन से बाहर जाके मर जाऊंगा। मैं नेट कर दूंगा खुद को, आप मारो। मैं अपने आप को नेट कर लूंगा, मार दो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट में ज़रूर बताना, और वेट करना नेक्स्ट वीडियो को, इंशाल्लाह कल आएगी। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, ऐसी प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।